जैसी भक्त ये शब्द कहे तो इलाज होते वो रोने लगे और कहने लगे गुरुदेव कहा बताएं कुआरी हो रही और सुनो अरे बाबा अनरत बहुत भयो है एक महीना तो गर्भ रयो है अरे बाबा अनरत बहुत भयो है एक महीना को गर्भ रयो है। आज इला महाराज कहन लगे गुरुदेव हम फंस तो फंस गए तुमने आन में इतनी देर कैसे कर दई और रोए के बोले तो उसी समय गुरुदेव समझ गए कि अगर जे महलन में ना पहुंचे तो बिना राजा के प्रजा भी नहीं संभलेगी। तो उसी समय भक्त वो समझ जाते कि इसका तो तोड़ केवल भोले बाबा के पास है। उसी समय उन्होंने क्या किया अरे लेके गए पर्वत पे आई जाए भोले प्रभु तुमने अंबिका विपन में श्राप दिया था और उसी श्राप के कारण हमारे ये महाराज स्त्री बन चुके हैं और ये एक महीना का उदर भी धारण किए हुए हैं। अगर राजा अपने राज्य में नहीं रहेगा तो उसकी प्रजा को कौन संभालेगा? कोई ना कोई उपाय करो। भगवान कहने लगे ये हमारे बस की बात नहीं है, तुम गिरजा से पूछो अगर इनके पास कोई उपाय हो तो यही उपाय बताएं। तो मैया से विनती की तो उसी समय मैया ने क्या कहा अरे एक एक मास रहे नर नारी झूठी होई ना पुने हमारी शब्द कहे मैया।